हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। मैंने ये कस्टर्ड लिया है, वेनिला कस्टर्ड पाउडर। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं इसको। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर दूध मैंने बॉईल करने रख दिया है, और इसी में से मैंने ठंडा दूध निकाल लिया था। 1 कप दूध निकाल लिया था इसमें से। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे 4 चम्मच, क्योंकि हमारा दूध 1 लीटर है, तो हम इसमें 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे, क्योंकि हम इसको गरम गरम दूध में नहीं मिला सकते ना, तो इसलिए इसमें गांठे पड़ जाती हैं, लम्स आ जाते हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल दूध में ही मिलाएंगे। देखो हमारा दूध पकने लगा है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी अब हमारी घुलने लगी है अच्छे से। अब हम इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे। कस्टर्ड हमें एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आ जाएं। ये बहुत जल्दी लगने लगता है बर्तन में, चिपकने लगता है, इसलिए हम कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा ही मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है। हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो गया, एकदम गाढ़ा हो गया। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने फ्रूट लिए हैं, 2 केले लिए हैं, 1 सेब लिया है, 1 अनार लिया है, हमने 10 खजूर ली है। तो चलिए 2 घंटे हो गए हैं, हमारा कस्टर्ड अच्छे से जम गया है। हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है कस्टर्ड, देखो कितना अच्छा जम गया। अब हम इसमें फ्रूट मिलाते हैं, थोड़े थोड़े फ्रूट मिलाएंगे, थोड़े हमने बचा लिए हैं, उसकी हम डेकोरेट करेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम इसकी गार्निश करेंगे। कितना अच्छा बना है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में ज़रूर बताना ये कस्टर्ड आपको कैसा लगा। बाय बाय।